हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं गुड्डू कुमार आपके अपने परिवार दर्पण फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने क्या करा था भाई, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था किसका भाई, सेकंड बुक का। ठीक है, हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। तो हम क्या करेंगे आज, उसी से जस्ट बिल्कुल आगे चलेंगे। ठीक है साथियों, आपसे तो थोड़ी सी एक शिकायत है क्या, कि भाई आप इस चैनल को ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। ठीक है, आप ऐसे ही भाग जाओ, कुछ करते ही नहीं। अगर देखने वाले 200 हैं तो लाइक करने वाले 100 भी नहीं होते, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई, मैं मेहनत नहीं कर रहा क्या? जी जान लगा के मेहनत कर रहा, आज भी तबीयत खराब है तब भी आपके लिए क्या लेके आया, वीडियो लेके आ रहा। ठीक है, तो चलो ऐसा ना करो, थोड़ा क्या करो भाई, सपोर्ट करो करो। ठीक है, चलो तो फिर आज हम तीन टॉपिक लेके आऊँ, तीनों ही कहेंगे अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम, हुक्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हुक्स लॉ। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर, तथ्यास्था गुणांक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुक का नियम। ठीक है, हुक का नियम क्या ऊपर है कि भाई प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विकृति के। प्रतिबल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई किसके, विकृति एस के। ठीक है, पी क्या होगा प्रतिबल और एस क्या होगा विकृति। तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकृति के। अब हुक्स का जो नियम होगा, हुक्स का जो नियम है वो क्या होगा, हुक का नियम वो होगा वही जैसे मैंने आपसे लास्ट कुछ परिभाषा बनवाई थी, कैसे करेंगे, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करो। पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती। इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे हम समानुपाती, या इसे हम क्या कह देंगे, अनुक्रम अनुपाती, अनुक्रम अनुपाती। ठीक है, तो दोबारा से देख लो कैसे, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर देखो, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। लास्ट बार, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, अब जैसे ही समानुपाती हटेगा ना, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट निकल के आवेगा कैपिटल ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यो। तो P इज इक्वल टू E इंटू एस। जो E है, E को बोल लेंगे भाई हम यहाँ पे क्या, पथ्यास्था गुणांक। ठीक है, पथ्यास्था गुणांक। तो दोबारा समझ लो एक बार, हुक्स लो, कौन सा हुक्स लो, तो पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जैसे समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या जाएगा, ई। तो पी इज इक्वल टू ई इंटू एस। जो ई होगा इसे हम क्या कहेंगे, पथ्यास्था गुणांक कहेंगे। अब पथ्यास्था गुणांक क्या होगा, अब इसके बाद जो टॉपिक है अगला वही वही है कि भाई पथ्यास्था गुणांक। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पथ्यास्था गुणांक। तो जो पथ्यास्था गुणांक होगा इसका सूत्र होगा ई इज इक्वल टू पी अपॉन एस। ठीक है, ई इज इक्वल टू पी अपॉन एस। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी सबसे पहले हम इसे बोल लेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे तथा, फिर इसे बोल लेंगे, और जो बटे है ना यो किसका काम करेगा, तो यो अनुपात का काम करेगा। ठीक है, सबके बाद थोड़ी तबीयत क्या है भाई, डाउन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट करना। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुपात को पथ्यास्था गुणांक कहते हैं। दोबारा सुनो, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को पथ्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, वंस मोर, पथ्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को पथ्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी मात्रक चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, मात्रक। तो देखो इसका जो मात्रक होगा भाई, E इज इक्वल टू पी अपॉन एस। ठीक है, इसका P का मात्रक क्या था, P का मात्रक होकर है न्यूटन, और प्रति भाई हमने लास्ट पढ़ा था कि P इज इक्वल टू होकर एफ अपॉन ए। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विकृति का मात्रक होता नहीं, तो सीधा सीधा क्या निकल के आवेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसकी विमा, तो देखो इसकी विमा क्या बनेगी, तो इसकी विमा बनेगी भाई विमा E इज इक्वल टू पी अपॉन एस। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले P की विमा रखेंगे। अब P की विमा क्या होकर है, P की विमा होकर है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, और S की विमा क्या होगा, होती नहीं कुछ भी इसकी, तो वन लिख देंगे।
तो यहाँ से निकल के आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, दोबारा देख लो कैसे कैसे बताया, पथ्यास्ता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पथ्यास्ता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को पथ्यास्ता गुणांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी विमा एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो यहाँ पे तीसरा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ तो इतना क्या कर देगा, यंग कर देगा। ठीक है, आ जाओ चलो, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसे हम सबसे पहले वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ठीक है, इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी अपॉन एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू पी अपॉन एस, पहले से बोल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम तथा लगा देंगे और फिर हम इसे बोल लेंगे दोबारे से। ठीक है, और फिर जो बटे है ना, जो किसका काम करेगा, तो भैया अनुपात का काम करेगा। किसका काम करेगा, अनुपात का। तो देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, पथ्यास्ता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग पथ्यास्ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर देख लो दोबारे से, पथ्यास्ता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग पथ्यास्ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर समझो दोबारे से, पथ्यास्ता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। अब देखो इसका भी सूत्र सेम, इसका भी सूत्र सेम, तो इसलिए इसका भी जो मात्रक बनेगा, इसका मात्रक बनेगा क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी जो विमा बनेगी वो विमा क्या बनेगी, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ठीक है, वही सेम मात्रक और विमा लगभग इस चैप्टर की क्या है, सब की सब सेम है। ठीक है, एक बार और देख लो मोटा मोटा सा। ठीक है, सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा भाई हुक का नियम, हुक्स लॉ। तो प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे ही उस समानुपाती हटेगा तो P इज इक्वल टू E इंटू एस आ जाएगा। E यहाँ पे क्या है, तो पथ्यास्ता गुणांक है। E क्या है, पथ्यास्ता गुणांक। अब पथ्यास्ता गुणांक क्या हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को यंग पथ्यास्ता गुणांक कहते हैं। फॉर्मूला P अपॉन S। तो मात्रक क्या होगा, प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका कुछ नहीं होता, तो क्या निकल के आया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विमा, P की विमा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसकी वन हो जाएगी, तो क्या निकल के आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, इसके बाद देखो यंग पथ्यास्ता गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल फिर बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कह देंगे, यंग पथ्यास्ता गुणांक। सूत्र सेम है तो इसलिए मात्रक और विमा भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, साथियों आपकी एक प्रॉब्लम आती है क्या, कि भैया जी आप बड़ा बड़ा करके लिखते, ठीक है देखो बड़ा बड़ा करके लिख तो दूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, फिर टॉपिक एक ही आवेगा। तो पता आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। पहले तो आप क्या करो, जैसे भाई मैं पढ़ा रहा तो आप पढ़ते रहो, ठीक है पहले पढ़ते रहो, फिर इसका पता क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, खींच लिया होगा, आ जाओ इसका स्क्रीनशॉट खींच के फिर से क्या कर ले करो, आप जूम कर ले करो, उसके बाद फिर से नोट कर ले करो। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा अगर लिखूंगा ना तो पता क्या होगा, टॉपिक एक ही आएगा पूरे बोर्ड पे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सी चीज़ों को ना तुम भी क्या करो, एडजस्ट किया करो। ऐसे नहीं है, आप कहते हो बहुत छोटा छोटा लिखते हो, बहुत छोटा छोटा लिखते हो, छोटा छोटा लिखना पड़ता है। ठीक है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्या कर सकूँ भाई, मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने लगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको क्या करूँ, थोड़े से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे लूँ। ठीक है, यही विचार चलता रहता है हर टाइम। ठीक है, चलो तो फिर आप इस क्लास को क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।